अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं जाने लगी थी डॉक्टर के पास और सोचा मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आजकल तबीयत बस ऐसी है, इस वजह से व्लॉग जो हैं वो मैं बहुत से दो रेगुलर रूटीन वाइज अपने नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और वैसे भी रूटीन में जो है ना वो ज़्यादातर सुस्ती ही सुस्ती छाई हुई अभी फ़िलहाल। खैर, अभी डॉक्टर के पास जाने लगी थी तो यहाँ पे मैं पहले तो बता दूँ कि मैं बस वही तैयार हो रही थी, थोड़ा सा बस हल्का सा सीरम लगा लूँगी, सन ब्लॉक वगैरह और लिपटिड लगा लूँगी और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं आपको दिखाती भी हूँ तैयार होकर। और इसके साथ साथ मुझे कुछ और बातें भी थी जो कि करनी थी आपके साथ, मैंने सोचा कि वो भी आज के व्लॉग में जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि जैसा कि आज का जो मेरा थंबनेल और टाइटल आपने देखा है और उस पर मैं यही सोच रही थी, दो तीन दिन से मसलसल मेरे जहन में ये बात चल रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ना। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी बल्कि ये बात शेयर की तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सच है, मतलब कि काफ़ी दिन से जो भी दुआ ज़ाहरा के मुताबिक जो आप मतलब कि न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया पर जो है वो दुआ ज़ाहरा के बारे में बातें चल रही हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है जो चैनल्स मैंने देखे हैं या फिर उनके बारे में जो भी देख रही हूँ, दुआ ज़ाहरा को जिस तरह से मतलब उनके साथ हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। जाहिर सी बात है, हर चैनल ये बोल रहा है कि बहुत गलत हो रहा है और मैं भी यही कहूँगी कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे एक जो है ना वो बड़ा ही अहम एक सबक है हम सब लोगों के लिए, जो कि मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है ना अगर अपने बच्चों के साथ मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो मेरे ख्याल में शायद आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मैंने तो अपने बच्चों को भी ये बात जो है वो बिठा कर बता दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी, मैं आपको बता दूँ फिर आपको ये नोरिन व्लॉग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ये सूट मैंने पहना था और ये लाइम लाइट का सूट है, लेकिन यहाँ पर देखें वो उस साइड पर रोशनी सही नहीं थी तो मैंने कहा कि चेंज करके देखती हूँ लोकेशन, तो इस साइड पे लाइट थोड़ी ठीक है। तो ये मैंने सूट पहना हुआ है लेकिन ये सूट पहन कर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं जो है ना वो अबाय के बिना बाहर जाऊं, और वैसे मैं खुद भी जो है मुझे आदत होगी तो इसलिए मैं अबाय के साथ ही बाहर जाती हूँ। अबाय के बिना बाहर जाऊँ तो ऐसे अजीब सा फील होता है। खैर, अभी जो है बस मैं अबाया पहन लिया, रेडी हो जाती हूँ, जल्दी से अपनी रिपोर्ट्स वगैरह उठा लेती हूँ और फिर डॉक्टर के पास चलती हूँ। तो जैसा कि मैं बात करी थी दुआ ज़ाहरा के मुताबिक, तो वो यही थी जो मेरे जहन में कुछ चीज़ें चल रही थी जो कि मैंने अभी तक देखा ना हमारी पुलिस, ना हमारी अदालतें, ना दुआ ज़ाहरा के जो वालदैन हैं वो, या इसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं जो कि इनसे बात कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी बातें कर रहे हैं, उन सब में किसी में भी ये बात नहीं कही गई जो कि बहुत ज़रूरी थी ये बात करनी। तो वो यही था कि आज के व्लॉग में शायद मैंने ये शेयर नहीं करना था, मैंने सोचा था कि मैं अलग से बैठ के अपने हस्बैंड के साथ ये बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप जो है ना वो कर रहे होते हैं। मेरा वैसे तो व्लॉगिंग का चैनल है, कोई न्यूज़ का या इस तरह के चैनल तो है नहीं, मैं डेली रूटीन अपनी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जब आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में जब वो बातें चल रही होती हैं तो फिर आप वही जो है ना वो शेयर करते हैं। और ये तो हर औरत के साथ यही होता है जो उसके साथ चल रहा होता है, जो वो सोच रही होती है, जो वो ज़्यादातर उस चीज़ में होती है, तो वही वो चीज़ें जो है चाहे अपने दोस्तों के साथ उठती बैठती है, चाहे अपने रिश्तेदारों के साथ, या फिर मेरी तरह कोई ब्लॉगर है तो अपने व्यूवर्स के साथ वो बातें जो है ना वो शेयर करती है। तो शायद पीछे से जो है वो शोर ना आ रहा हो, पीछे वाले घर में काम चल रहा है, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, तो मुसलसल बस वही शोर जो है वो अभी तक स्टिल जा रही है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती ज़्यादातर। खैर, तो ये था कि जो दुआ ज़ाहरा की दोस्ती हुई थी, ये किडनैप तो हुई नहीं, ये तो आप सबको पता है कि दुआ ज़ाहरा जो है वो खुद घर से निकल कर गई है। अगर वो किडनैप होती तो उसकी कोई ना कोई वीडियो आती, जैसा कि वो उस दिन जिस दिन दुआ ज़ाहरा के जो माँ बाप हैं उन्होंने बताया कि बाहर गली में जो है वो शायद कुछ मज़दूर भी लगे हुए थे, काम कर रहे थे जिस दिन दुआ ज़ाहरा बाहर कचरा रखने के लिए गई थी और उसके बाद वो घर पे वापस नहीं आई, यानी कि दुआ ज़ाहरा जो हैं वो खुद अपने पांव से चलकर जो है वो गाड़ी तक पहुंची हैं और गाड़ी में बैठकर वो चली गई हैं। है, यहाँ तक तो दुआ ज़ाहरा की गलती थी, गलती यही तक नहीं थी, गलती यहाँ पर थी कि जब उन्होंने मोबाइल पर गेम्स खेलना शुरू की, ये बात जो है आपके बच्चों के साथ शेयर करने वाली है जो कि मैं भी करती हूँ अपने बच्चों के साथ शेयर, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी अपने, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मोबाइल बच्चे जो हैं वो यूज़ करते हैं और गेम्स तो तकरीबन ऑलमोस्ट हर बच्चा जो है ना वो खेल रहा होता है, बच्चे ही नहीं इवन बड़े भी खेल रहे होते हैं। तो जो गेम्स होती हैं, दुआ ज़ाहरा की भी गलती यही थी, जब वो गेम खेल रही थी तो फिर उसमें जो है उसने लड़के से दोस्ती की, फिर उसने अपने माँ बाप के साथ भी शायद वो शेयर किया था, लेकिन माँ बाप ने ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दी जिसकी वजह से बच्ची जो थी ना वो माँ बाप से थोड़ा सा जो है वो नफरत करने लगी और फिर उसने सोचा कि जो वो लड़का है ज़हीर जो है शायद जितनी मोहब्बत वो करता है इतनी इसके माँ बाप भी नहीं करते, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब आपके बच्चे जो हैं वो बड़े सेंसिटिव एक लम्हे से गुजर रहे होते हैं
तो माँ बाप की सख्ती करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सब बिल्कुल नहीं कहती कि माँ बाप जो है वो सख्ती ना करें, माँ बाप को सख्ती करना बहुत ज़रूरी है। और बल्कि ये जो मोबाइल है ना, मैं कहती हूँ ये तो मतलब कि हम लोग मोबाइल को ना, तो ये मोबाइल बहुत ही एक बुरी चीज़ है जो कि हर घर में, और इस मोबाइल की वजह से रिश्तों में, मियाँ बीवी में, बच्चों में, माँ बाप में, बहन भाइयों में यकीन करें बहुत लड़ाइयाँ होती हैं इस मोबाइल की वजह से, और इस मोबाइल की वजह से घर ख़राब हो जाते हैं, इस मोबाइल की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जिन लोगों ने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिए हुए, मेरे ख्याल में अभी तक वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फ़ायदे में है। और जिन लोगों ने मोबाइल अपने बच्चों को दे दिए हैं, तो उन सब के लिए बस यही है कि जब आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं, तो उनको एक बार ये दुआ ज़ाहिरा का केस पूरा कंप्लीट दिखाएं। हमारे पाकिस्तान के जितने भी जजेस हैं, अदालतें हैं, पुलिस हैं, कोई भी बेटा आपको फिर आपकी जो औलाद है ना उससे नहीं मिलवा सकेगा जब आप अगर किसी गलत हाथों में चढ़ जाओगे। अब दुआ ज़ाहिरा ने तो दोस्ती की उस लड़के के साथ, उसने सोचा कि ये जो लड़का है ना ये तो अभी मेरे लिए बहुत कुछ होगा, और मैं अपने माँ बाप को छोड़ती हूँ, इसके पीछे चले जाती हूँ तो एक अलग से दुनिया, एक मेरी अलग से एक ज़िंदगी होगी और बड़ी मेरी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। लेकिन उसको ये नहीं था पता कि सामने जिन हाथों के मैं जा रही हूँ हाथों में, वो हाथ जो हैं वो ठीक नहीं है। पूरा एक जो हमें नज़र आ रहा है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, ये वाकई में गलत है, गलत है, गलत है। और जैसा कि माँ बाप खुद कह रहे हैं हमारी शादी को 17 साल नहीं हुए, तो बच्ची 17 साल की कैसे हो गई है। दूसरी चीज़ जो जिस तरह से पुलिस जो है उस सोचिए कितनी इस दुनिया में बच्चियाँ हैं जो कि किडनैप होती हैं, भाग जाती हैं, शादियाँ कर लेती हैं, फिर क्या क्या कोई मसले बन जाते हैं, ससुराल में उनको आग लगा दी जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। एक दुआ ज़ाहिरा को ही क्यों इतनी पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, या अपने माँ बाप से दूर, इवन उनको मुलाकात भी नहीं करने दे रही, कहीं वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ भी शेयर ना कर दे। और आप छोड़िए पुलिस की बात, आप छोड़िए जजेस की बात, आप छोड़िए वो जिनके हाथों में लगी है बच्ची उनकी बात, आप सोचिए दुआ ज़ाहिरा का अपना मुँह ही बंद है, वो क्यों बनते हैं। इसके पीछे साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी बहुत ही ज़्यादा गलत ग्रुप में जो है उसकी एंट्री हो चुकी हुई है, और दुआ ज़ाहरा शायद वहाँ से निकलना चाहती होगी, अपने माँ बाप से मिलना चाहती होगी, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी लोग होते हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी अदर कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह से बच्चियों को किडनैप करते हैं, अपनी बातों में लेकर आते हैं, फिर उनको घर से भगा लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी मतलब के नाज़ेबा जो वीडियोस हैं वो बनाते हैं, फिर उसके बाद वो बाहर जो मुल्क मालिक हैं उनमें वो सेल करते हैं वो वीडियोज़ बनाकर। तो इस तरह से भी होते हैं। तो ये बातें मेरे ख्याल में आपको अपने बच्चों को बताना बड़ी ज़रूरी है कि बेटा किसी को ना अपने माँ बाप के अलावा, अपने बहन भाइयों के अलावा किसी को अपना ना समझो, किसी को किसी पे ट्रस्ट ना करो, किसी को अपनी फ़ोटो तक सेंड ना करो, किसी पे दोस्ती ना लगाओ, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, या फिर आप गेम खेल रहे हो, या कोई भी ऐसी ऐप जो कि आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, जिससे आप मिले नहीं, उससे दोस्तियाँ ना लगाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं जो हमारी बच्चियों के साथ होता है। और फिर हमारी पुलिस आप देख लें, हमारे जजेस देख लें, जिनका मतलब कि गिला तो बनता ही है कि आप एक बच्ची को अपने माँ बाप तक नहीं लेकर जा रहे हो, आप एक बच्ची को अपने माँ बाप से नहीं मिलवा रहे हो, कितनी मतलब कि यार सोचने वाली बात है। मैं जब उनको देखती हूँ तो मतलब कि हर माँ एक दफ़ा ये सोचती होगी कि या अल्लाह इस पर जो गुजर रही है वो हम समझ सकते हैं, अल्लाह ना करे कल को ये हमारे साथ होगा तो क्या होगा। तो ये जो है ना वो केस बड़ा ही मेरे ख्याल में एक ख़तरनाक केस बना हुआ है। तो अल्लाह ताला करे कि अल्लाह पाक जो है ना वो ही कोई मुआवजा करे, क्योंकि हम लोग अगर सोचे ना कि हमारी अदालतें, हमारी पुलिस या हमारी रेंजर वगैरह कोई भी जो है ऐसा कुछ कर सकता है, नहीं, ये अल्लाह ताला ही कर सकता है कि अब वो बच्ची जो है वहाँ से बच कर अगर घर वापस आ जाती है अपने माँ बाप के पास तो आ जाए। अदरवाइज़ जिस तरह से उसको चादरों में छुपाया जा रहा है, जबकि वो बच्ची की अगर पहले की वीडियोस देख ली जाएं और तस्वीरें वगैरह देख ली जाएं दुआ ज़ाहिरा की, तो कहीं भी वो इतना ज़्यादा अपने आप को कवर नहीं किया हुआ जिस तरह उसको पुलिस वालों ने या फिर वो उस ग्रुप वालों ने जो कि उसको लेकर गए हैं। जैसे वो वाइट शर्ट वाला सूट वाला कोई बंदा था जो कि वो बोल रहा था कि भी मैं इनका बाप हूँ और ये वो इस तरह से करके ना। तो खैर भाई, जिसके पास जो पैसा होता है ना या फिर जिसके पास समझ ले कि ताकत होती है वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ज़रूरत है, ये एक हमारे लिए सबक है, बहुत बड़ा सबक है।
कि हम अपने बच्चों को सिर्फ एक बात समझा दें कि बेटा ये जो आप सब चीज़ें देख रहे हो ना, ये हम सब लोगों के लिए एक लेसन है जो कि हमें समझना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी तक किसी चैनल पे भी ये चीज़ नहीं बताई गई कि दुआ जहरा का तो जो केस चल रहा है, सब रो रहे हैं वापस नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, उसकी उम्र इतनी है, उसका ये है, उतना वो है, ऐसा है वैसा है। मेरे ख्याल में हमारी जो पुलिस है, हमारे जो जजेज़ हैं, हमारे जो बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं, मेरे पास ये छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने सोचा कि ये मैं बात शेयर करूँ ताकि आप लोग अपने बच्चों के साथ, फिर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, फैमिलीज आगे कहीं भी आप मेरा व्लॉग भी इवन शेयर करेंगे या आप खुद भी जब एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे तो कम से कम हमारे घरों की बच्चियां जो है ना वो महफूज रह सकेंगी। अक्सर घरों से बच्चियां भाग जाती हैं, अक्सर मोबाइलों में दोस्तियां लगा लेती हैं, इस तरह से जो है ना वो बड़ी बच्चियों के साथ होता है। ये एक दुआ ज़ाहिरा ही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि बेचारी गलत हाथों में लग जाती हैं, फिर उसके बाद वो सारी ज़िंदगी सिर्फ रोती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इतनी यंग बच्चियाँ उठाने का भी इनका, ये इनके कारोबार है, ये इनके बिज़नेस हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, इनकी अपनी भी बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी, और किस तरह दिल करता है किसी की बेटी के साथ, बहनों के साथ ये सब करने का, हमें समझ नहीं आती है। तो खैर, मेरी थोड़ी सी सांस भी फूल रही है और बड़ा दुख होता है ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन ये हमारे सामने सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि मैं बार बार कह रही हूँ, ये हमारे बच्चों को ज़रूर आप लोग बताएं कि बेटा फिर ये देख लें। हम लोग माँ बाप क्या कर सकेंगे, जहाँ पे अदालतें कुछ नहीं कर सकती, जहाँ पुलिस कुछ नहीं कर सकी, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। एक माँ बाप से उनका खून, उनका दिल का टुकड़ा, उनका जिगर, आप सोचेंगे जब बच्चा पैदा होता है, माँ इतना जवान करती है, फिर उसके बाद उससे कितनी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चे से, और कितना प्यार होता है, कितना लगाव होता है, और फिर वो बच्चा आपके सामने, आपको पता चल रहा है कि वो बच्चा जो है वो सही हाथों में नहीं है, वो किसी गलत बंदे के हाथ चढ़ गया हुआ है, या उसकी उम्र ही नहीं थी शादी की। चलो शादी कर ली उस बच्ची ने शादी भाग कर, बड़ी दुनिया करती है अदालतों में जाके, लव मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज होती है, ये वो हर चीज़ होती है। मान लिया कि उस बच्ची ने शादी कर ली, लेकिन उस बच्ची को माँ बाप से क्यों दूर किया जा रहा है, उस बच्ची को माँ बाप से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? ये भी तो हो सकता है, अगर ज़हीर अच्छा आदमी है, और यहाँ पे ज़हीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ज़हीर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और दुआ ज़ाहरा जो है वो तो बेचारी, उसका तो बस अब अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ताला जो है ना उसको बस कोई मौजा कर दे और वो बच्ची वहाँ से निकले और अपने माँ बाप तक पहुँचे, और माँ बाप जो है उस बच्ची को लेकर किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर वो दोबारा कभी दुआ ज़ाहरा को जो है ना, दुआ ज़ाहरा उनको कभी नज़र ना आए। लास्ट में बस यही कहूँगी कि अल्लाह पाक दुआ ज़ाहरा के जो माँ बाप हैं उनको सब्र दें, और जितनी इस दुनिया में बच्चियाँ हैं अल्लाह ताला सब की जो इज़्ज़त की हिफाजत करें, आमीन सुमा आमीन। वरना हमें कोई उम्मीद नहीं घर से, जब आप चार दीवारी से बाहर निकलते हो तो आपको इस दुनिया का कोई पता नहीं कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो अल्लाह ताला हर बच्ची की हिफाजत जो है ना वो महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। और इसके अलावा मैं एक और छोटी सी यहाँ बात कर दूँ, तो ये देखें, ये जो बच्चा मेरा मोबाइल खोल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बटन वाले मोबाइल है, मैंने अपने बच्चों को, ये जो बड़े वाले दोनों बेटे हैं उनको मैं ये वाला मोबाइल देती हूँ, उन्होंने अलार्म लगाना है, उन्होंने किसी को कॉल करनी है, मैसेज करना है, तो मैं कहती हूँ इसी पर करो। गेम्स के लिए मोबाइल बच्चों को ज़रूर देती हूँ, लेकिन वो सिर्फ उसका एक टाइम रखा हुआ है, जिस टाइम पे बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, आधा एक घंटे के लिए देती हूँ, फिर उसके बाद वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो ये मोबाइल उनके पास हर वक्त होता है, जिसका नंबर वो दोस्तों को देते हैं अपने ना। वह जो है, इसके अलावा बच्चों के पास एक कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन मुझे पता है वो किस जो वो उनको सर्च करना होता है, पढ़ना होता है, एक हसीब जो है वो ऑनलाइन सीख रहा है, तो वो सब कर रहे होते हैं, तो वो सब मेरे सामने, और बच्चों पे नज़र रखना भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।